सार्थक क्या है? ऑफ कर दो अभी थोड़ी देर प्रॉन स्टार्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन टू एच सी एल एंड सी टू एच टू राइट name of CH4, C2H6, C2H4 and C2H2. Write root word for first 10 carbon atom. Saturated compound. Tetravalency. Designation. जनरल फॉर्मूला सर कल है टेस्ट अभी फॉर एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन CNH2N-2 कुछ पढ़ा है कल कराएंगे थोड़ा पढ़ना शुरू करो एक दो ही क्लास में इसको देख लेना सबको पेपर मिल गया इधर लवली मिल गया पेपर ना चलो अब स्टार्ट करो फिर आगे मतलब कल चलो जमा कर दिया ओके बात मत करो नाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड दोस कार्बन कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स वो अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि उनको हाइड्रोजन चाहिए जिससे कि सिंगल बॉन्ड बना सके क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा ना इलेक्ट्रॉनों के बीच सब फास्ट फास्ट आ गए हैं बॉन्डिंग कर रहे हैं सो those carbon compounds having carbon
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. These are very less reactive. ठीक है. So called paraffins. इसलिए क्या कहेंगे? So called paraffin wax भी आता है. तो paraffin that is param plus affin. That is less or plus reactive. इसके एग्जाम्पल क्या है कि मीथेन that is CNG compressed natural gas. कुछ लोग इसे मार्श गैस भी कहते हैं. मार्श गैस क्यों कहते हैं? ग्रुप लीडर. क्योंकि ये दलदल में, मार्श का मतलब होता है दलदल, दलदली एरिया में, मार्शी एरिया में पाई जाती है. सब्जी मंडी में जो स्मेल निकलती है ना, या कहीं कहीं डैम बना दो तो उसमें से क्या होता है, अंदर सब्जियां सड़ती हैं, वेजिटेशन, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस. तो जहां पर ग्रीनरी सड़ जाए तो वहां जो गैस निकलती है, तो जमीन के अंदर भी अगर कोई चीज है तो वहां पर सीएनजी जमीन फोड़ के निकाली जाती है. तो ऐसे ही वहां जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अब इन्हें कुछ और नहीं चाहिए, इनमें इलेक्ट्रॉनों का लीस्ट रिपल्सन है, तो ये खुश हैं. और जब सब एक साथ आ जाएं तो वन से जो कहता है हाइड्रोजन दो, मैं ऐसे नहीं रहना चाहते हैं, तीन तीन एक साथ तुमने ला के रख दिए, तो रिपल्सन कितना हो गया ना, वो बहुत ही एक्टिव है. तो उन्हें किसी तरीके से वो चीजें सही नहीं है, एक साथ नहीं रहना चाहते, कंजेस्टेड. तो इस तरीके से हो गया. अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है? दैट इज CH4. इसके अलावा और हम लोगों ने देखा कि LPG जिसमें कि इथेन है और प्लस ब्यूटेन C2H6 और प्लस C4H10. तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है. देखो ये सब उसको फुलफिल कर रहे हैं. अब मीथेन भी उसी पर अगर वन रख दो तो फुलफिल कर रहा है. ये 15% होता है जो तुम्हारे घर की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो गैस सिलेंडर है, और उसमें ब्यूटेन कितना परसेंट होता है, जो इन सबको एसी लगाने आता है, पाइप से पाइप को जोड़ता है, वो ब्यूटेन की एक वो होती है सिलेंडर, छोटा सा आता है जैसे हीट का होता है ना, उसी से वो फ्लेम में देख के सब जोड़ जाके चला जाता है. तो ब्यूटेन के सिलेंडर भी आते हैं 200 रुपए के बजाय, वो खूब अच्छे से यूज किए जाते हैं. जब पिकनिक में लोग गई हैं तो ब्यूटेन के सिलेंडर से खाना वाना चाय बनाएंगे होगी, तो ऐसा होता है. समझ में आ गई बात? तो देयर जनरल फार्मूला क्या है बताइए. ठीक है, इसी तरीके से पेट्रोल, पेट्रोल को कहते हैं ऑक्टेन, दैट इज C8, तो डबल करके दो जोड़ दो. समझ में आ गई बात कि नहीं? या अगर किसी की एड़ी फटी होती है तो पैराफिन वैक्स लगाता है, या कैंडल लगाते हैं तो उस पैराफिन वैक्स होता है. ओके, अब देखो, नाउ ठीक है, ओके. कार्बन तो हो गए, हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके.
इसमें ये नहीं आता। ये वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ओके नाउ इतनी बात हो गई। सो ऑक्टेन समझ में आ गया। इसके अलावा और भी आगे होते हैं जैसे कि केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल देखा है ना, मिट्टी का तेल। सो के ऑयल में क्या होगा? केरोसिन ऑयल दैट इज C17 होता है और 17 का डबल करो और दो जोड़ दो, सही है। और जो सड़क पे पड़ता है आपको मालूम है ब्लैक कलर का एस्फॉल्ट, मतलब कोल्ट आ रही है, वो छोटे छोटे पार्टिकल लास्ट में नहीं डाले जाते हैं सड़क को चिकना करने के लिए लास्ट में, वो भी कोल्ट आर में भी यही चीज है। तो वो सी तो दैट इज एस्फॉल्ट उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? एस्फॉल्ट रोड बनाने के लिए। तो दैट इज C50 और H102 ये सब सैचुरेटेड है। कहाँ पे? हाँ एच लिखो। अब अगला देखो, ये तो आपने देख लिया और इसका जनरल फार्मूला क्या है? तो ठीक है नाउ जनरल फार्मूला इज CN H2N प्लस 2। अब हम देखेंगे अनसेचुरेटेड। कार्बन कंपाउंड्स अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में देखिए। सो दोस कार्बन कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स मल्टीपल का मतलब है कि डबल भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है बॉन्ड। सो दीज एक्सपीरियंस हाई रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पास आ गए ना, सो वेरी रिएक्टिव इन नेचर। दीज आर रिएक्टिव इन नेचर, वेरी रिएक्टिव इन नेचर। ये नेचर में रिएक्टिव होते हैं एंड ऑयली इन टच। और कैसे होते हैं? एंड ऑयली इन टच, सो कॉल्ड ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स दैट इज ऑयली प्लस अफिन्स। सैचुरेटेड में भी तो जैसे पेट्रोलियम केरोसिन ऑयली से तो है। ऑयली नहीं है, पेट्रोल छू ऑयली, ऑयल को धो देता है। जहां ऑयल लगा होता है ना, तो आप ग्रीस डिग्रीसिंग एजेंट है। केरोसिन लगा के ग्रीस साफ की जाती है, जो तेल और ये सब है साफ करना है तो केरोसिन से धो देते हैं उससे। समझ आई बात की नहीं? तो ये सब चीज क्या है, पेट्रोल से कोई चीज धो दो बिल्कुल साफ हो जाएगी कोई चीज, ऑयल और ये सब कहीं लगा हो, सो इट कैन बी वॉश्ड विद पेट्रोल। तो वो है ऑयली। अब देखो इसमें क्या चीज आ गई, तो ऑयली इन टच है, अनसेचुरेटेड है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो, शुरू के तो एग्जाम्पल सब गैस है। जैसे अगर मैं कहूं जैसे इसमें मीथेन गैस है, ये कौन? ये भी गैस, और एलपीजी भी वो कंप्रेस की है, नहीं तो गैस ही है, हवा में निकल गया तो गैस है। आगे के चलो तब लिक्विड होते हैं, अब बहुत आगे चल गए तो सॉलिड। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर कोई चीज हैवियर होती जाती है तो क्या हो जाती है? सॉलिड हो जाती है। जैसे O2 गैस है, O2 के ठीक नीचे सल्फर पे पहुंच जाओ तो सल्फर येलो कलर का है। येलो कलर का होता है कि नहीं उस तरीके का? तो इस तरीके से हम देखें नीचे चलने पे कोई चीज गैस लिक्विड सॉलिड, जैसे जैसे उसका कोई भी मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा सॉलिड। अब ये देखो ऑयली हो गया, इसका एग्जांपल देखो, ठीक है? आप बोलो बोलो, पूछो तो बताएं सौम्या।
अच्छा इसका एग्जांपल है C2H4, दैट इज इसका क्या नाम है अंशिका? इथीन। हाँ थोड़ा तेज बोलो तो पता चले कॉन्फिडेंस आए। इथीन ऐसे बोला करो। हाँ तो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। दैट इज C2H2 का नाम बोलो। इथाइन हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या C2H6 दिख रहा है? और यहाँ क्या दिख रहा है? इसका क्या नाम बताया अंशिका ने? और ये है इथीन। अच्छा ये बताओ वहां पर कार्बन की परसेंटेज हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कम है कि यहाँ पर? यहाँ 50-50% है और वहां हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है और कार्बन कम है, 6 पे 2 और यहाँ 2 पे 2 है। तो इसको जब जलाएंगे तो क्या होगा? जल नहीं पाएगी कार्बन और इसमें ब्लैक धुआं निकलेगा। अनबर्न्ड कार्बन जैसे जल गई ना, तो अनबर्न्ड कार्बन यानी जब मैं कभी अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करूं तो तुम तेल समझना। घर में तेल का दिया जलाओ जरा, सरसों के तेल का, तो खूब धुआं निकलेगा। और एक घी का दिया जलाओ बिल्कुल चमकता हुआ नीले प्रकाश का, तो तुम्हारा वो उसमें क्या होगा? ब्लैक सूटी फ्लेम नहीं होगी। सूटी का मतलब धुएंदार, उसकी क्लीन ब्लू फ्लेम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन कम है। देखो 6 पे 2 है कि नहीं, और इसमें कार्बन 2 पे 2, इतना ज्यादा कार्बन है तो इसमें धुआं खूब निकलेगा। येलो सूटी फ्लेम और वो क्लीन ब्लू फ्लेम। तो दे आर हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, सो दीज बर्न कंप्लीटली एंड प्रॉपरली एंड गिव्स, कैसी फ्लेम देते हैं? क्लीन ब्लू फ्लेम। जैसे ब्यूटेन का देखोगे जलता है तो बिल्कुल ब्लू फ्लेम आती है उसमें से। और ये कैसे देंगे? तो दैट इज अगर मैं बात करूं तो घी किसमें आएगा बताओ? अच्छा ये अनसैचुरेटेड, तो ऑयल आ जाएगा। तो बटर किसमें आएगा? सैचुरेटेड। तो कहते हैं हम भाई ये सैचुरेटेड चीज नहीं खाएंगे क्योंकि बटर खाने के बाद जमा रहेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा बॉडी में। कहते बटर तो मतलब सब सैचुरेटेड चीज खिला रहे हो, अब बॉडी में रहेगा तो 8-10 साल तक रहता है, या उतना जिम कौन जाएगा, और फिर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, ऐसा हम लोग कहते हैं कि नहीं? तो देट इज बटर सैचुरेटेड। या बुक में भी ऐसा है कि जब लास्ट एक्सरसाइज इंटरवल पे तो बटर एंड कुकिंग ऑयल में डिफरेंस ज्ञात करो, तब फिर हम यही दोनों करेंगे। फिर बटर और घी, ऑयल, ये बटर इसमें आएगा और ऑयल इसमें आएगा। होने दो। तो आगे चलने पर जैसे पैराफिन वो भी तुमने देखा, पैराफिन भी थोड़ा ऑयली हो जाता है लेकिन उसकी उसमें वो और ज्यादा ऑयली। तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा बोलो? बटर भी आ जाएगा और वहां पे क्या आएगा? ऑयल। अब यहाँ क्या लिखें? दीज आर हैविंग जनरल फार्मूला क्या है बोलो? माइनस CnH2n और एक है CnH2n-2, ठीक है? दे आर हैविंग हायर कार्बन परसेंटेज सो दे डू नॉट बर्न कंप्लीटली। दीज आर हैविंग हायर कार्बन परसेंटेज सो Do not burn completely and gives yellow, पूरा जब जलेगा नहीं, येलो लाइट जो होती है उसमें हीट कम होती है। ब्लू फ्लेम में हाथ लगा दो जल जाओगे और येलो में तो फिर तुम खेलते रहो कुछ नहीं होगा। तो gives येलो सूटी, सूटी का मतलब धुएंदार, काले धुएं वाली फ्लेम। अच्छा इसमें क्या लिखें? सो दीज आर हैविंग लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, सो इसलिए क्या होगा बताओ? लेस परसेंटेज है सो बर्न कंप्लीटली, इसलिए क्या करेंगे? कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस क्लीन ब्लू फ्लेम। धुआं जो उड़ रहा है वो कार्बन है, वो जल ही नहीं पाया, इतना सारा कार्बन था, उतनी ऑक्सीजन कहां से आती?
तुमने तो 50% कार्बन ले लिया, बताओ जल पाएगा? उतनी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हो, ऑक्सीजन ही 29% है, बाकी तो 78% तो नाइट्रोजन कहाँ जला पाएगी, नहीं जला सकती ना, तो सब कार्बन हवा में उड़ गया, वही तो धुआं है, काला धुआं, जल जाए पूरा, दैट इज बर्न कंप्लीटली एंड गिव क्लीन ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। इतनी बात समझ आ गई? अब देखिए कि चेन ब्रांच एंड रिंग कंपाउंड, चेन ब्रांच एंड कंपाउंड। देखिए जब रूट वर्ड कहा जाए रोमिन तो मेथेट लिखा करो, मीथेन इथाइन ये सब क्यों लिखते हो, समझ के आया करो, पिछले क्लास में तो सिखाया था, उसको देखा नहीं क्या कि देख के भी याद नहीं हो पाता, अभी पिछली बार ही कितना बोल के गए पापा नहीं याद हो पाता, कोई पूरी क्लास सही लिख रही तुमको छोड़ कर, सार्थक के पूरे नंबर आना, ये लो पूरे नंबर। अब देखिए नाउ कार्बन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखिए दैट इज those carbon compounds in which terminal carbons are linked with no or one carbon atom and other carbon atoms are linked with two carbon atoms, those carbon compound, ये देखो ये है ये terminal carbon atom, इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे ये कितने से जुड़े हैं, terminal carbon atom, ये वन से जुड़े हैं, अच्छा दो में कोई चेन नहीं बनती है, नहीं दो की लिंक होती है, कोई चेन होती है, कम से कम तीन तो हो तब तो चेन कही जाए, तो टर्मिनल एक से जुड़ा है और अदर दो से जुड़े हैं, बात समझ में आ गई, अदर ये दो टर्मिनल हो गए और बाकी बीच के जो है अदर कार्बन, फिर से समझो ये दो कार्बन कंपाउंड्स इन विच ये देखिए सी सी ये देखो ये एनी कार्बन इज लिंक्ड विद थ्री और मोर कार्बन एटम, तीन से जुड़ा तो ये क्या हो गई ब्रांच हो गई, वो क्या हो जाएगी, इसे समझो कि मान लीजिए सी एक ऐसे चेन है और इसमें से ब्रांच निकल गई और फिर यहां और सी लग गया, तो एनी कार्बन एटम किससे जुड़ा है, ये वाला और ये भी देखो चार चार से जुड़े हैं, ऐसे ना समझो तो ये भी सोचो कि ब्रांच है, एक ये भी ब्रांच निकल गई, समझ में आ गई बात, तो ये ब्रांच हो गया, जो कार्बन एटम एक कार्बन से जुड़ा होता है उसको वन डिग्री कार्बन एटम कहते हैं, और जो कार्बन एटम टू से जुड़ा हो तो क्या ये सब टू डिग्री है सेकेंडरी कार्बन एटम, अच्छा ये बताइए जो तीन से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, और टर्शरी, और जो चार से जुड़ जाए क्वार्टरनरी, तो कार्बन चार तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वन डिग्री को क्या कहा बताओ,
आप मुझे इतनी बात मत करो, सीधा बताओ चेन कार्बन कंपाउंड्स में कौन कौन से डिग्री के कार्बन एटम होते हैं और ब्रांच्ड में? 1, 2, 3, 4 आप बताइए, मतलब 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं मतलब, तो मतलब इन ब्रांच इट इज इट कंटेन्स 3 and 4 डिग्री कार्बन एटम ऑल्सो। समझ में आ गई ना बात? तो ये देखो 1 डिग्री को कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम, 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन एटम, और 3 डिग्री टर्शियरी कार्बन एटम, एंड 4 डिग्री क्वार्टरनरी कार्बन एटम। सो इट इज लिंक, तो इन दिस कार्बन किससे लिंक होगा? लिंक्ड विद नो और वन कार्बन एटम। जैसे मीथेन 1 डिग्री है, वो किसी से भी नहीं जुड़ा, तो उसे क्या कहोगे? 1 डिग्री। किसी से जुड़ा है क्या? तो नो और वन कार्बन एटम। ये मुझे बताओ कि 2 डिग्री क्या होगा? C इज लिंक्ड विद 2 कार्बन एटम, C इज लिंक्ड विद 3 कार्बन एटम, एंड C इज लिंक्ड विद, अब जरा ये बताओ नेहा, ये कौन सा कार्बन एटम है? हाँ बोलो आना, बहुत अच्छा। अग्नि देखो, एक इधर से जुड़ा कार्बन, उधर से जुड़ा, उधर से जुड़ा, बस गिनने की गिनने की दूरी है। ये बोलो थोड़ा तेज, समझे? एक ही से तो जुड़ा है, ये कार्बन कितनों से जुड़ा है? इसका एक ही तो दोस्त है, इसके कितने दोस्त हैं? तो दो दोस्त, इसके एक, इसका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री। सो चेन कंपाउंड्स दैट इज क्या होता है? दोस कार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड, या सीधा भी लिख सकते हो जो टर्मिनल कार्बन एटम है वो कितने से जुड़े हैं? टर्मिनल कार्बन एटम इज लिंक्ड, एटम्स आर लिंक्ड विद, हाँ यस, इस सेंटेंस को पूरा करो, टर्मिनल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद वन कार्बन एटम, वो 1 डिग्री है लेकिन आर अटैच्ड या लिंक कितनों से हुए हैं? एक कार्बन से जुड़े हैं ना, विद 1 कार्बन एटम, कार्बन एटम। एंड अदर कार्बन एटम्स कितनों से जुड़े हुए होंगे? ये तो बीच की बात हो गई, इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। 1 कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद कितनों से? 2 कार्बन एटम। देखो और मोर कहां है, इसी को भी देख लो, ये सब 2 ही 2 तो है, विद 2 कार्बन एटम्स। नाउ ब्रांच्ड कंपाउंड क्या होते हैं? सर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने जो सी लिखा है, अगर उसकी जगह एच होता तो? एस तो टर्मिनल पे हो जाएगा। अब इन सब में क्या करो ना कि सब में एच इसको सेटिस्फाई करो, तो इसमें क्या है जरा देखिए, ये सी सी है, बीच में एच नहीं हो सकता, इसके पास उतनी वैलेंसी नहीं होती कि वो बीच में आ जाए, 3 बॉन्ड बनाए, ब्रांच हाँ ये सब है, ब्रांच एच तो हमेशा टर्मिनल पे ही रहेगा, सिर्फ उसको एक ही दो बॉन्ड बनाने का अधिकार है, वो बीच में कहीं आ भी पाएगा, यहाँ एच आ सकेगा क्या? उसको 4-4 बॉन्ड बना लेगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता है ना। ब्रांच में अगर इसे
कार्बन की चेन देखेंगे, हाइड्रोजन देखते ही नहीं, हाइड्रोजन तो लास्ट में चार करके सब में चार चार जोड़ देते हैं, जैसे भी हमने जोड़ दिया, तो ये चेन कंपाउंड है। ये क्या है और इसका भी यानी नाम क्या है? वन टू थ्री, सही कह रही हो, और पहला लीटर बड़ा होगा पेंटेन, सही है। और इसका फार्मूला क्या है? C5H12। एक्सेन का प्रोपेन क्या फार्मूला है? C6H14। सही है। प्रोपेन का C4। इतना चलेगा, रिवाइज नहीं करती तब भी कितना बता रही हो, बोलो। बहुत अच्छा। ब्यूटेन का C4। इतना चलता है तुम्हारे लिए, चले कमजोर हो ना काफी। हाँ बोलो। C4। ऑक्टेन का C8H18। वेरी गुड। नाउ अब देखो ब्रांच्ड कंपाउंड्स, सो इफ इन हाँ नाउ देखो इन दोस कार्बन कंपाउंड्स इन विच कंटेन्स, ठीक है, टर्शरी और क्वार्टरनरी कार्बन एटम्स, वे कार्बन कंपाउंड जिसमें टर्शरी या क्वार्टरनरी कार्बन हो, टर्शरी हो जाए। देखो अभी बना के दिखा रहे हैं, ये हो गया ब्रांच की नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? या दोस कार्बन कंपाउंड्स इन विच वन और मोर कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ थ्री और फोर कार्बन एटम्स, एक या दो कार्बन एटम तीन कार्बन से जुड़े हों या चार से जुड़े हों, बोलो बात समझ में आ गई? वन और मोर, तो उसे क्या कहेंगे? क्या चीज ज्यादा सरल लग रही है? दोस कार्बन कंपाउंड्स विच हैज थ्री डिग्री एंड फोर डिग्री कार्बन एटम्स ज्यादा सरल लग रहा है कि ये? देख दे रहा हूं दोनों ही डेफिनेशन है। हाँ, दोस कार्बन एटम्स कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स विच हैज थ्री डिग्री और फोर डिग्री कार्बन एटम्स, दैट इज एनी कार्बन, कोई भी कार्बन किससे लिंक्ड हो, इज लिंक्ड विद थ्री और फोर कार्बन एटम्स, उन्हें क्या कहेंगे? ब्रांच्ड कंपाउंड। समझ में आ गई बात की नहीं? अब जरा देखो, हाँ फाइव, तो क्योंकि उसकी पेंटावेलेंसी है ही नहीं, तो उसकी फाइव डिग्री तो नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर मान लीजिए कि ये कार्बन देखो ऐसा कार्बन हो, एक यहां हो एक यहां हो एक यहां, इसका नाम बताओ, क्या ये बीच वाला ये कितने डिग्री का है? क्योंकि इससे भी जुड़ा है तो थ्री डिग्री का है। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये भी हो सकता है। अच्छा ये भी देखो, मैं बता, इसको कहते हैं ऐसी दूब की घास होती जिसमें दो मुहा बाल हो, एक एंड पे दो घास में टूट जाती है, ऐसी भी बात होती है ना घास, तो इसमें आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? और जितने कार्बन है वो लिख के कर दो, आइसो लिख के, चार कार्बन है आइसो ब्यूटेन, इसका नाम बताओ। अभी अगले पेज पे आने वाला है, लेकिन अब इसके साथ ब्रांच हो गया ना ये, इसका नाम बताओ, फार्मूला वही चलेगा। जरा इसमें हाइड्रोजन लगा के देखो, तो हाइड्रोजन H H H, यहाँ कितने H लगाए? बोलो, एक लगाओ, तीन तो पहले ही बॉन्ड बना चुका है, और इस पर कितने H? तीन H, और यहाँ पर भी, ये तो ऐसे ही लगाया जा सकता है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है ना, बाकी तो आप चाहे तो ऐसे बना बना के भी कर सकते हैं। तो ये बताओ कितने हुए? C4 H10। तो C4 H10 साक्षी, इसका नाम बताइए,
आप बताइए हम क्या बताएं, बाकी जानकार लोग तो इसे आइसोब्यूटेन कहते हैं ना। अच्छा इसे क्या कह रहे थे बताओ, अगर यहाँ पर था तो अभी इन्होंने एन पेंटेन बोला था नॉर्मल पेंटेन, लेकिन हमने खुद ही एन हटा दिया, हमने कहा नहीं अभी बच्चों को पता ही नहीं, अब बता दिया। अगर मान लो सीधी लिंक लीनियर है, ये लीनियर है या चेन कंपाउंड, तो उसमें कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, और उसमें एक एंड पे दो कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, आइसो। अब ये इसका नाम बताओ, आइसो करके और फिर एच लिख देना, मतलब सेकंड लास्ट कार्बन एटम दो कार्बन से जुड़ा हो, सेकंड लास्ट है वो दो से जुड़ा हो, सही। देखो मतलब एक दो तीन है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट, तो ये सेकंड लास्ट, ठीक है। इधर देखो इसे इसमें क्या लिख दें बताओ, सी एच टू लिखें कि सी एच, क्योंकि दो है दो एच लगाने कि नहीं, तो यहाँ क्या लिख दें दिव्यांगी, यहाँ क्या लिखें, सी एच लिख दें, और इसका मॉलिकुलर फार्मूला बताइए, बोलो पीयूष इसका नाम क्या होगा, आइसो पेंटेन। आप आके इसमें एच लगाओ जैसे मैंने यहाँ लगाया है, पीयूष बस ऐसे एच लगा देना फिर मैं सिखा दूंगा। एक तो बॉन्ड है ना, अब कितने और लगाओगे, लगाओ अगले में बीच में सामने लगाओ, सही है। एच क्यों लगा रहे, दो बॉन्ड है तो दो और नहीं दोगे, टेट्रावेलेंट होते हैं, दो लगाओ, या फिर ऊपर नीचे लाइन लगा के लगाओ एच एच, या ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक। तो अब इसका हो जाएगा सार्थक, क्या नाम होगा, आइसो, सही है। और फार्मूला भी बताओ, C6H14 आइसो हेक्सेन, लिखो दैट इज आइसो ग्रुप कौन सा होता है, इफ सेकंड लास्ट कार्बन एटम इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम देन इट इज आइसो ग्रुप, इफ सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम देन इट इज आइसो एल्केन। इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्क तो तुम समझते हो ना, वर्ड रूट है मेथ एथ को एल्क कहते हैं। इफ सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इज अटैच्ड विद थ्री कार्बन एटम तो उसे नियो कहेंगे, आइसो नियो आपके। जरा देखो जो तीन मुही घास हो, ऐसा कोई चीज जो जिसमें तीन लगे हो, ये देखो वो भी तो ब्रांच हुआ, ये देखो ये सब भी आएगा, क्या करें जो उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, आएगा बहुत सरल, सीखो सब कुछ, मतलब ये देखो इन सब के नाम बताओ, ये नियो है, सेकंड लास्ट पे तीन है तो क्या लिख दें, नियो, और सब कार्बन काउंट कर लो, नियो पेंटेन। अच्छा अब इन सभी में अब पिता के हाइड्रोजन तो लगाओ और नियो पेंटेन इसका फार्मूला भी लिखो, पहले हाइड्रोजन लगाओ फिर काउंट करके लिखना, नियो पेंटेन फार्मूला वही चलता है, लगाइए
हैवी में लगाओ। नाम भी लिखिए। बीच में लेटर बड़ा। हाँ ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। ये सभी ब्रांच हैं क्योंकि इन सभी में देखोगे तो 3 डिग्री है। आइसो में 3 डिग्री होती है और नियो में 4 डिग्री। सो नियो ग्रुप किसे कहते हैं? इफ सेकंड लास्ट कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 3 कार्बन, इस चीज को लिखो तो उसे नियो कहेंगे। ये दोनों आपके टीचर के फेवरेट हैं, आइसो और नियो। इस चीज को लिखो, इफ सेकंड लास्ट कार्बन एटम इस अटैच्ड, जिधर ग्रुप्स बहुत होते हैं ना वहीं से गिनती शुरू होती है। आप ये ना कहो कि यहाँ से तो थर्ड लास्ट पड़ रहा है, जिधर ग्रुप बहुत होते हैं वहीं से नंबरिंग की जाती है 1 2। तो सेकंड लास्ट हुआ कि नहीं? अभी और समझ में आ जाएगा इसका, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना। सो इफ सेकंड लास्ट कार्बन एटम इज अटैच्ड टू, कितनों से जुड़ा हो बोलो? 3 कार्बन एटम, तो उसे क्या कहेंगे? Then it is neo group. इसे क्या कहेंगे? अब जरा देखो, ब्रांच कार्बन आपने समझ लिया ना, बस आपको सिर्फ अभी तक इतना ही समझना है कि चेन कार्बन कंपाउंड्स क्या है, ब्रांच, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। नेमिंग भी छोड़ सकते, समझ में आई? नेमिंग देख लेंगे, साथ में चल रहा था तो बता दिया, आ गया तो आ गया, नहीं तो भी आगे तो चलेगा। ठीक है आइसो है और में भी होता है वो, फिर आगे की क्लासेस में होगा। अभी एल्केन और भी हो सकता है, जैसे आप देखो कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये देखो रोमो पेंटेन आइसो है, आएगा अभी तो फिर हम बता देंगे। चलो एल्केन और सब में भी हो सकता है, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी। ठीक है ना। अब हम किसकी बात करेंगे? रिंग ब्रांच देख लिया, जिसमें से ऐसे कुछ ब्रांचेस निकली, वही तो है ना ब्रांच, और एक लीनियर होता है। अब तीसरा क्या है बोलो? रिंग कंपाउंड्स। अच्छा ये मुझे बताओ साक्षी, रिंग कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? सृष्टि दोस कार्बन कंपाउंड्स व्हिच आर कनेक्टेड एंड टू एंड विद कार्बन एटम, एंड टू एंड यानी ईच कार्बन एटम इज 2 डिग्री और एवरी कार्बन इज कनेक्टेड टू 2 मोर कार्बन एटम्स। देख लो सी, क्या सभी सी से ही कनेक्टेड है और हर कार्बन 2 से ही कनेक्टेड है? नियो, हाँ इट इज नियो ग्रुप या नियो एल्केन। ठीक, अब देखो
एल्केन भी हो सकता है, फिर एल्कीन भी हो सकता है, तो अभी हम सैचुरेटेड में ही चल रहे हैं सब कुछ. अच्छा, रिंग कंपाउंड्स किसे कहेंगे? एवरी कार्बन इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम एंड देयर इज नो टर्मिनल कार्बन एटम. ठीक, द कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स विच हैव, इसमें क्या ना हो, नो टर्मिनल कार्बन एटम्स एंड, जैसा सृष्टि ने बताया वो डेफिनेशन बहुत अच्छी है, एंड कार्बन एटम्स आर एंड टू एंड कनेक्टेड विद अदर कार्बन एटम्स, क्योंकि इसमें यह भी संभावना हो सकती है कि यहां से एक और ब्रांच निकल आए, क्योंकि इसमें तो 50,00,000 कंपाउंड है, तो फिर हम ये ना कहें कि टू से जुड़ा है, थ्री होने से भी ये रिंग ही है. सो इन दिस कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड. एंड जैसे मैंने बताया ब्रांच के दो नाम है आइसो और नियो, जबकि इसमें साइक्लो एल्केन लगेगा, साइक्लो. मान लीजिए अगर मुझे H लगाना है तो कितने H लगाए, CH2, तो CH2 और CH2 और गोरो, बात समझ में आ गई, CH2. ठीक, तो अब इसका आप मुझे मॉलिकुलर फार्मूला बताइए सौम्या. अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, आप बताओ, परेशान नहीं करना चाहिए. अच्छा ठीक है, और ये साइक्लो एल्केन, इसका नाम क्या है बोलिए, दीज आर कॉल्ड साइक्लो एल्केन, ने कहा डबल बॉन्ड है कोई, एंड इट्स जनरल फार्मूला, क्योंकि टर्मिनल से एक एक हाइड्रोजन हटाओगे तभी तो जुड़ेगा, हमने कल बताया था कि नहीं, भाई रिवाइज ना किया होगा, लेकिन हमने कल क्या बताया था कि मान लो ये अभी ये जुड़े नहीं है तो इनमें कितना है, एक एच यहाँ और एक एच इस पे भी, देखो CH2 ना लिखो, इस पे तीन लगाओ. अब जरा इसका फार्मूला बताओ, क्या वही है जो सौम्या बोल रही, ये दो टर्मिनल है, ये जब हटेंगे तो कहेंगे अरे हमारा हाइड्रोजन ही चला गया, और देखो मेरा इलेक्ट्रॉन छोड़ गया तुम्हारा भी छोड़ गया, क्यों ना एक बॉन्ड बना ले, तो दो कम नहीं हो जाएंगे. लेकिन क्या सभी सिंगल बॉन्ड है, तो कायदे से इन्हें एल्केन कहना चाहिए कि एल्कीन, तो इनका क्या नाम पड़ेगा, कोई चीज है, हमें ये नहीं देखना है, एल्कीन तो तब लगाते हैं, बात ना करें. तो इस तरीके से इट्स जनरल फार्मूला एक लगे, आप बताइए हमें क्या, साइको थोड़ी है वो, उसको मनोवैज्ञानिक के पास भेजेंगे अगर ऐसा है. ठीक है, जनरल फार्मूला बताओ. सो इट इज टर्म्ड एज साइक्लो एल्केन एंड इट्स जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n. बोलो बात समझ आ गई, अगर इसको कहेंगे साइक्लो प्यूस, इसे क्या नाम दिया जाए, साइक्लो, बोलो साइक्लो हेक्सेन. अच्छा ये मुझे बताओ साइक्लो ब्यूटेन का क्या फार्मूला होगा, C4, कहीं तुम इसे इस तरीके से तो नहीं समझ रहे हो, बोलो, तो फिर ये क्या है, साइक्लो प्रोपेन, इतनी बात समझ आ गई. ओके, नाउ
ये सब है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऐसे एच एच लगा के इसे क्या नाम दिया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो है लेकिन कैसा करा गया बताइए, कंडेंस्ड। तो बनाएंगे चल जाएगा, हाँ यही चलता है। देखिए राइट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऑफ एन पेंटेन, अभी बना के दिखाया था एन पेंटेन आइसो पेंटेन नियो पेंटेन साइक्लो पेंटेन, समझ में आया, एंड राइट अ नोट ऑन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो अभी लिखा था ना, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, अरे क्यों बोला तुमने, ये तुम समझ नहीं रहे हो। कार्बन कंपाउंड ये चैप्टर ऐसा है ना, कितनी बार भी करो जमा जमा के पैर चला जाता है, इसमें जल्दी नहीं जा चल सकते, जरा सा बीच में छूटे नहीं कि सब गया। इतना हो गया, अभी हटा दें, दो हट गए तो नहीं तो एंड होते तो फिर दो ज्यादा होते, उन्हें हटा के तो जोड़ोगे। चलो सिक्स मेंबर का नेम लिखना है, देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कार्बन कार्बन की बॉन्ड दिखाई जाती बस, तो देखो अब एल्केन ये सबसे पहला परिवार है, सात परिवार बताए थे कार्बन में, तो ये एल्केन एक होमोलोगस सीरीज है, सेवन होमोलोगस सीरीज, एक जैसे लोग होते हैं वो होमोलोगस सीरीज, जैसे सारे गुजराती गुजराती बैठ गए, बंगाली बंगाली बैठ गया, तो एक होमोलोगस सीरीज। तो एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, सो यहाँ प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है बताइए, एन, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे मेथ एन, और ऐसे करके पूरा चार्ट बनाएंगे, ठीक है। देखो मीथेन, और इसके आगे इसका जनरल फार्मूला क्या है, ग्रुप फार्मूला, तो फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू, जरा वन रख के देखो इसमें, तो सी एच फोर हो गया, और इसके लिए ऐसे बनाइए, इसको क्या कहेंगे, दैट इज इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और दूसरा क्या बताया आपको, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही हो जाएगा,
अगर आप लिखेंगे तो सी एच फोर ही हो जाएगा कि नहीं। और ये कौन सा फार्मूला है बताइए, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये इसका नेम है। ये नेम इसको किसने दिया है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसने दिया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसलिए ये जो नाम है ये IUPAC नाम है, कैसा है IUPAC। और अगर मैं इसको कहूं मेथेन लग गया कि नहीं, और बाकी इसका निक नेम क्या है, ये केमिस्ट नेम क्या है, मार्स गैस CNG आलतू फालतू के नाम से बुलाओ, वो सब निक नेम है। और मैं कहूं IUPAC तो मीथेन, मीथेन के बाद दूसरा कौन है, छह मेंबर कितने हैं, सेकंड बताओ एल्स, तो यहाँ क्या लिखे हैं C2H6 आपके बुक में लिखे हैं, देख लो सर एक चार्ट बना, तो कैसे लिखे हैं CCH अब किसे कैसे देखो लिखोगे बोलो CH3 और सही है। अब थर्ड देखो प्रॉप का मतलब तीन तो समझते हो ना, प्रॉप एन तो C3H8 हुआ तो CCC ये H हो गया ठीक है। और यहां इसे कैसे लिखेंगे बताओ, CH2H कहीं भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, ये ज्यादा अच्छा माना जाता है इधर लगा के, क्योंकि सी से सी बॉन्डिंग दिख रही है यहाँ तो मजबूरी है बीच में कहीं कहीं लिखना ही है, ऐसे लिखिए कंडेंस फार्मूला, बात समझा, नीचे चलिए साथ में लिखा जाता है कंडेंस में अगल बगल ही लिखा जाएगा, समझ आ गई बात। तो अब अगर मैंने तीन लिख दिए तो अगले तीन यू बना लोगे, यू कैन मेक इट ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के जैसे बुक में भी बना हुआ है। तो ये हमने आपको किसके सिक्स बताए, एल्केन के। अब देखो एल्कीन के बारे में, एल्कीन का जो सो आपको पढ़ना है तो आप छह मेंबर रिपोर्ट जाओ राइट, यही क्वेश्चन करके चले जाओ ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ेंगे ऑल्सो राइट फुल फॉर्म ऑफ ये इम्पोर्टेंट है, बुक में लिखा है, पूछा जाता है वहां पर, ये सब IUPAC नेम ही हम सीख भी जा रहे हैं। यही है जो बुक की टेबल वही बनानी है, लेकिन कंडेंस हमने एक्स्ट्रा दिया है, बुक में कंडेंस भी नहीं है, यही करना है और फिर कंडेंस का बनाना है। कपड़े मिल गए ये लो, ओके नाउ इसको बंद करो।